इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिक्टेंगल्स विद सेम एरिया एंड डिफरेंट पेरीमीटर्स एरिया किसे कहते हैं किसी शेप ने जितनी भी जगह ली होती है उसे उसका एरिया कहते हैं जैसे अगर हम इस रिक्टेंगल को देखें तो इसके अंदर ये जितनी भी जगह है ये सारा इसका एरिया होगा और पेरीमीटर क्या होता है ये जो इसकी बाउंड्री होती है इसकी टोटल लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर तो एरिया क्या होता है किसी शेप के अंदर जितनी जगह या स्पेस होती है वो उसका एरिया होगा और उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर तो इस वीडियो में हम ऐसी रेक्टेंगल्स देखेंगे जिनका एरिया सेम होगा यानी उन्होंने जितनी जगह ली होगी वो बिल्कुल बराबर होगी लेकिन उनकी बाउंड्री की लेंथ या पेरीमीटर डिफरेंट होगा तो इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये दो रेक्टेंगल्स लेते हैं और इनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करते हैं इनका एरिया पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे इस तरह के छोटे ब्लॉक से जिनमें से ये जो छोटा ब्लॉक है इसका एरिया होगा वन यूनिट स्क्वेयर और इसकी एक साइड की लेंथ होगी वन यूनिट तो हम क्या करेंगे हम इन रेक्टेंगल्स के अंदर ये छोटे ब्लॉक्स रखते जाएंगे यानी इस तरह से हमने इन ब्लॉक्स को यहाँ पर रखना है और इस तरह से रखना है कि ये एक दूसरे के ऊपर भी ना आए और इनके दरम्यान में गैप्स भी ना आए बिल्कुल यूं साथ साथ इन्हें जोड़ के रखना है हमने फर्स्ट जो रेक्टेंगल है उसमें इन ब्लॉक्स को रख दिया तो अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड फाइन करेंगे पेरीमीटर होता है इसकी बाउंड्री की लेंथ और हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक है वन यूनिट तो यहाँ से यहाँ तक होगा वन यूनिट तो ये वन टू थ्री फोर और इस तरफ है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन तो ये टोटल बाउंड्री पे इसकी लेंथ बनती है टेन यूनिट्स तो इस ये जो हमारी रिक्टेंगल है इसका पेरीमीटर है पी फॉर पेरीमीटर तो इसका पेरीमीटर है टेन यूनिट्स अब इसका एरिया देखते हैं तो एक जो हमारे पास छोटा ब्लॉक है इसका एरिया है वन यूनिट स्क्वायर तो यहाँ पर एक ब्लॉक का होगा वन यूनिट स्क्वायर टू तो ब्लॉक्स का होगा टू यूनिट स्क्र तो, तो टोटल ब्लॉक्स हैं वन टू थ्री फोर तो इसका एरिया होगा फोर यूनिट स्क्वेयर तो हमने इस रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर लिया अब हम दूसरी रेक्टेंगल देखते हैं इसके अंदर भी हम छोटे ब्लॉक्स रखते हैं वन टू थ्री फोर तो अब हम देखते हैं कि इसका पेरीमीटर कितना है तो काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसकी टोटल जो बाउंड्री की लेंथ है ये कितनी आई है एट यूनिट्स और अब हम देखेंगे इसका एरिया तो वन टू थ्री फोर इसके अंदर टोटल फोर ब्लॉक्स हैं तो इसका एरिया होगा फोर यूनिट स्क्वायर तो हमने देखा कि इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया बिल्कुल सेम है जो कि है फोर यूनिट स्क्वायर लेकिन इनका पेरीमीटर डिफरेंट है यानी ये जो दो रेक्टेंगल्स दी गई हैं इन्होंने अंदर जितनी जगह ली हुई है वो बिल्कुल सेम है बराबर है लेकिन इनकी बाउंड्रीज़ की लेंथ डिफरेंट है तो इस तरह से हमारे पास रेक्टेंगल्स आ सकती हैं जिनका एरिया सेम होगा लेकिन पेरीमीटर डिफरेंट होगा एक और एग्जाम्पल लेते हैं अब हमें दो और रेक्टेंगल्स दी गई हैं अब हमने इनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है इन ब्लॉक्स की मदद से जिनमें से अब ये जो ब्लॉक है इसका एरिया होगा वन सेंटीमीटर स्क्वेयर और इसकी एक साइड की जो लेंथ होगी वो होगी वन सेंटीमीटर यानी जो अब यूनिट है वो है सेंटीमीटर तो अब हम इन रिक्टेंगल्स के अंदर छोटे स्क्वेयर्स को रखना शुरू करते हैं तो ये हमने इनके अंदर छोटे ब्लॉक्स रख दिए हैं तो अब हम ऊपर वाली रिक्टेंगल का पेरीमीटर फाइन करेंगे इसकी बाउंड्री के अराउंड काउंट करते हैं तो ये है वन सेंटीमीटर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो इसका पेरीमीटर है एटीन सेंटीमीटर अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे कि इसके अंदर कितनी टोटल जगह है तो इसके अंदर जितने टोटल ब्लॉक्स हैं इतना ही इसका एरिया होगा तो ब्लॉक्स को काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी इसका एरिया है ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम दूसरे रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इसका पेरीमीटर है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर अब हम इसका एरिया देखते हैं तो जितने इसके अंदर ब्लॉक्स हैं इतना ही उसका एरिया होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो इसका एरिया है ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वेयर्स यानी इसके अंदर जितने ब्लॉक्स हैं इतना ही इसका ये सारा एरिया होता है तो हमने देखा कि इन रेक्टेंगल्स में भी इनका पेरीमीटर डिफरेंट है एक का 18 सेंटीमीटर और दूसरी का 24 सेंटीमीटर लेकिन इनका एरिया सेम है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इस तरह से हमारे पास रिक्टेंगल्स होती हैं जिनका एरिया सेम होता है और पेरीमीटर डिफरेंट होता है यानी उनकी बाउंड्री की लेंथ डिफरेंट हो सकती है लेकिन उनके अंदर जितनी जगह है वो बिल्कुल बराबर होगी तो आज हमने पढ़ा ऐसी रिक्टेंगल्स के बारे में जिनका एरिया सेम होता है लेकिन पेरीमीटर डिफरेंट होता है